हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम प्रैक्टिस सेट 8 जो है उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है 26 जुलाई को होती है, 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो ये किस शिक्षा में ये तर्क दिया गया था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बुद्ध का नीति पत्र हो जाएगा, बुद्ध का नीति पत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद, यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर नवाब अब्दुल लतीफ खां, बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो है पद्म श्री पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर, अब इसमें बताना है कि सत्य नहीं है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा आनंद मोहन बोस। मैंने पहले वाले में ही बताया था कि आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इसके स्थापक करता थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का यहाँ पर नाम नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आनंद मोहन बोस। अगला क्वेश्चन है, श्री अरविंदो का जन्म कहाँ हुआ था? श्री अरविंदो का जन्म जो है 1872 में हुआ था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मद्रास का नाम तमिलनाडु में कब बदल गया? तो मद्रास का नाम तमिलनाडु बदला गया 1969 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डार्टीगेटन हाल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, क्या हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा आंध्र केसरी टी प्रकाशम, टी प्रकाशम जो है आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखते हैं, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? तो डलहौजी ने दिया था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित होकर दिल्ली बनाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। आगे देखते हैं, आजाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काजिब किए गए में वर्ष 1943 में स्थापित किया गया था? तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंगापुर, सिंगापुर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगी गोलमेज सम्मेलन रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड ने गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो है समाप्त हुआ
वो है 1922 में, 1922 में। आगे देखते हैं गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य क्या तात्पर्य था। तो सर्वोदय से जो तात्पर्य था वो है अछूतों और दलितों का उत्थान, अछूतों और दलितों का उत्थान। आगे देखते हैं हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में के सदस्यों द्वारा बनाई गई। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कब किया गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा कलकत्ता में। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुई और जिसके कारण सत्र स्थगित हो गया था। तो यहाँ पर सही आंसर जो है 1907 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे। तो सही ऑप्शन जो है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद अब प्रयागराज के एक नेता थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली। कौन हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। सबसे जो विशेषता थी वो हो जाएगी हमारी निर्यात अधिशेष, एक्सपोर्ट सरप्लस। आगे देखते हैं अगला, मंगलौर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो किन किन के बीच हुए थे, टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए थे। अगला क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों में किस वर्ष सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो आंसर हमारा 1782 हो जाएगा। आगे देखते हैं जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो जहांगीर के काल में जो पहला अंग्रेज है वो आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस। आगे देखते हैं इनको इंग्लिश खां की उपाधि भी दी गई थी हॉकिंस को, और ये बहुत अच्छा फारसी बोलते थे। तो इन्होंने प्रभावित किया था जहांगीर को कैप्टन विलियम हॉकिंस ने। आगे देखते हैं दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है। तो मुक्ति शब्द जो है वो हो जाएगा भूमि अधिहस्तांकन, जिसे एकता कहा जाता था का धारण धारक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं डैश अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहब का निर्माण किसने किया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, गुरु अर्जुन देव। आगे देखते हैं मुगल अंतिम मुगल बादशाह कौन था। बहादुर शाह जफर था, जफर भी इसको उपनाम था इसका, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कारकोजी कढ़ाई के तहत लोकप्रिय हुई थी। तो जार दोजी कढ़ाई जो है किस के तहत लोकप्रिय हुई थी ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर हमारा अकबर हो जाएगा, अकबर। बीबी का मकबरा, तो ये तो औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा, औरंगजेब के बेटे शाह आजम ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लखनऊ, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, औरंगाबाद। आगे देखते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। आगे देखते हैं दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी। तो दिल्ली वाली मोती मस्जिद जो है वो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा औरंगजेब। आगे देखते हैं अकबर के शासन काल में सेनापति थे
तो अकबर के शासनकाल में कौन सेनापति थे? तो मीर बख्शी सेनापति हुआ करते थे, मीर बख्शी। आगे देखते हैं, मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां कहा जाता था? तो यहाँ पर दारा शिकोह नहीं, कामरा नहीं, खुर्रम जो है कहा जाता था। तो आंसर हमारा जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चांद बीवी की कहाँ की शासिका थी? तो चांद बीवी जो है अहमदनगर की शासिका थी। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन अख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में, अच्छा काकी है, तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत में जो है आक्रमण किया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, 1398 में। गांधार कला किन दो कलाओं से संबंधित है? तो एक तो हिंदी है और एक हो जाएगा यूनानी हो जाएगा यहाँ पर। तो इन हिंद इंडो ग्रीक हो जाएगी। आगे देखते हैं, अमुक्त माल्यात का लेखक कौन है? अमुक्त माल्यात का लेखक जो है वो हो जाएंगे कृष्ण देव राय। कौन हो जाएंगे? कृष्ण देव राय हो जाएंगे। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर जो है बसर में स्थित है। कहाँ पर? बसर में। आगे देखते, कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो है इसलिए वो प्रसिद्ध है, उत्कृष्ट जो आयरन है उसमें यूज किया गया है उसके लिए, तो एक्सीलेंट क्वालिटी।